नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, साफ पता चलता है डिस्प्यूट। रजिस्टर ऑफ कंपनीज ने कुछ डिसीजन लिया कंपनी के विरुद्ध, कंपनी को लगता है कि रजिस्ट्रार ने जो फैसला लिया वो सही नहीं है। तो एक प्रकार का क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। कंपनीज एक्ट के कुछ डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट में दो ऑपोजिंग पार्टीज होते हैं। झगड़े में एक पार्टी का मानना एक रहता है, दूसरे पार्टी का मानना ऑपोजिट रहता है। सो कॉरपोरेट सिविल डिस्प्यूट्स ये लोग हैंडल करते हैं। ये जो बेंचेस, इसमें जो लोग होते हैं उनको बेंचेस बोलेंगे। बेंचेस में दो लोग रहते हैं, एक जुडिशियल मेंबर मतलब नॉर्मली वो वकील होगा और एक टेक्निकल मेंबर। पूरे देश में 15 बेंचेस है, 15 बेंच मतलब 15 × 2 30 होंगे ना, 30 मेंबर्स होंगे। एंड द प्रिंसिपल बेंच इज एट न्यू दिल्ली। और जैसे वक्त बढ़ रहा है तो और भी बेंचेस ये लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन कायदा ये है कि किसी ने कुछ एप्लीकेशन कर दिया, जैसे कि कुछ कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, बड़ा कंपनी को छोटा बना दिया, तो कुछ केस लॉस, कुछ डिफरेंसेस है, झगड़े हैं, उसके लिए लोग काम करते हैं। लेकिन ट्राइब्यूनल को एक जवाबदारी ऐसी दी गई है कि द मोमेंट तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन आता है तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एप्लीकेशन तुमको उसका एप्लीकेशन का सोल्यूशन देना पड़ेगा। और जो केस होते हैं, प्रोसीडिंग्स होते हैं, तो दोनों पार्टी का सुनते हैं। अभी कैसे होता है, तुम रजिस्ट्रार के ऑर्डर से खुश नहीं हो, तुम कहाँ जाओगे, NCLT के पास। ये सब राइटिंग में होगा। सब NCLT के सामने हो सकते हैं। NCLT बोले रजिस्ट्रार को तुम भी आओ, और XYZ कंपनी को बुलाएगा, और दोनों को लिखित फॉर्म में देना पड़ेगा। और फिर वो डिस्कशन होगा, हियरिंग होगा, और फिर 3 महीने के अंदर फैसला दिया जाएगा। लेकिन तुमको एक अच्छी बात है कि तुम्हारे विरुद्ध फैसला गया तो तुम NCLT में भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऑपोजिशन दुख की बात भी है, तुम्हारे हित में फैसला हुआ, तुम बोले चलो बच गए, रजिस्ट्रार भी जा सकता है NCLT। इसका मतलब तुमको वापस वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो पावर ऑफ NCLT क्या है। अब NCLT छोटा मोटा संस्था नहीं है, कोई कंपनी जिसने कॉम्प्रोमाइज किया है। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, एक कंपनी का कर्जा 1 करोड़ रुपए का है, मैं क्रेडिटर हूं, 60 लाख में माना, लेकिन मुझे लगा कि मुझे फोर्स किया गया, तो मैं NCLT के पास जा सकता हूं कि कॉम्प्रोमाइज सही नहीं हुआ है। अरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कोई कंपनी बंद हो रही है उसको छोटा कर दिया जाए और बचाया जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आया तो ये कर सकते हैं। और NCLT का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम शुरू हुआ है। अभी क्या होता है, मैंने कंपनी को 5 करोड़ का कर्जा दिया, कंपनी को 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीना हो गया, कंपनी ने नहीं पेमेंट किया, और 1 महीना, फिर 1 महीना, 6 महीने बीत गए। मैं NCLT को लिखूंगा कंपनी को बंद कर दो, संपत्ति बेच के, कर्जा नहीं चुकता कर रहे, संपत्ति बेच दो। इसलिए आजकल कंपनीज बहुत डरते हैं। NCLT में नाम गया तो शेयर बाजार में शेयर गिरेगा ना कंपनी का, नाम खराब होगा। तो इसलिए कोई सब अपना कर्जा टाइमली पे करना चाहते हो, और क्रेडिटर्स को एडवांटेज मिल जाता है, भाई कर्जा 2 महीना हम रुके, 2 महीना और रुके, 6 महीना हो गया। NCLT में गए तो कंपनी की बदनामी काफी होती है। अच्छा, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक से चल नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। अब भरत पे के डायरेक्टर पर इल्जाम लगा। भरत पे का डायरेक्टर कौन था, वो शार्क टैंक में था ना, अश्विनी ग्रोवर। उसकी वाइफ का क्या नाम था, उसकी वाइफ भी टीम में थी, वो नौकरी जैसे एम्प्लॉयमेंट कुछ तो उनका काम था। मैंने अभी पढ़ा उनको हकल दिया गया काम से, बिकॉज प्रूव, ऐसा प्रूव हुआ कि कुछ तो फ्रॉड किया है। अब ये एलिजेड है, इल्जाम लगा है, लेकिन मैंने जहां तक सुना है उनका जॉब हकल दिया गया।
अब वो एनसीएलटी में जा सकती है, मुझे गलत तरीके से आउट कर दिया गया, या किसी शेयर होल्डर कंप्लेंट कर सकता है कि भरत पे का मैनेजमेंट इस प्रकार है कि भरत पे का प्रॉफिट गिर सकता है क्योंकि उसमें फ्रॉड हो रहा है, ऐसे कोई किसने इल्जाम लगाया तो हो सकता है। अच्छा, कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं बुला रहा है तो क्या कोई बुला सकता है? एनसीएलटी खुद से बुला सकता है कि तुम नहीं बुला रहे हो, हम बुलाते हैं और सारा खर्चा वो कंपनी से वसूलेंगे। डायरेक्टर्स को पेनल्टी बैठेगा, डायरेक्टर्स का नौकरी जाएगा वो अलग। और क्या हो रहा है, कंपनी सोचती है हम अपना एक ब्रांच भेज देते हैं और इन लोगों को लगता है गलत तरीके से किया जा रहा है, तो एनसीएलटी वो ट्रांजेक्शन को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिग बाजार जो है उसका मालिक कौन है? पेंटलून ग्रुप, सुना है? पेंटलून ग्रुप मालिक है। उन्होंने बिग बाजार को 24,000 करोड़ में बेचा। किसको बेचा? रिलायंस को। अब ये ट्रांजैक्शन में रिलायंस नंबर वन हो गया इंडिया का, लेकिन एक जन ने दखलंदाजी दे दिया और वो था अमेजन। बिग बाजार में अमेजन का 5 से 6% है और कायदा ऐसे था कि बिग बाजार कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले माइनॉरिटी में हुआ है। कौन? अमेजन। उससे पूछना चाहिए था, पूछा नहीं, फैसला लिया। अमेजन कोर्ट में चला गया, एनसीएलटी में उन्होंने बोला कि ट्रांजेक्शन रोको, तो रोक दिया है कोर्ट ने। एक फैसला उनके खिलाफ गया, अमेजन के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सिंगापुर कोर्ट में भी ये मैटर चल रहा है। तो अमेजन और रिलायंस अभी तक फुल फ्लेज ट्रांजेक्शन कर नहीं पाए। और मुझे शेयर बेचना है, डायरेक्टर्स ने मना कर दिया। मैंने बोला गलती क्या हुई भाई, डायरेक्टर्स गलत कारण दे रहे हैं, तो मैं एनसीएलटी को बोल सकता हूं मेरे शेयर्स बेचने नहीं दे रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एनसीएलटी कंपनी को बुलाएगा, आरएनटी एजेंट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को, कि क्यों गलतियां हो रहे हैं, तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। और तुम एनसीएलटी के फैसले से नाराज हो तो अगला जो वीडियो रहेगा एनसीएलटी उस पर रहेगा, उनके पास जाओ, अपीलेट ट्राइब्यूनल, उनके पास जा सकते हो। तो ये था नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक मिलेगा, जिसको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।